हरार महादेव, हरार महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टूडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक स्लैम एंड सेंस इकोनॉमिक इकोनॉमिक वीपिंग एंड लॉफिंग। सही सुना मैंने से, इकोनॉमिक वीपिंग एंड लॉफिंग क्या है। सबसे पहले हम आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टूडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं इकोनॉमिक वीपिंग एंड लॉफिंग। सही सुना मेडिसिन, इकोनॉमिक वीपिंग एंड लॉफिंग क्या। सबसे पहले वीप माने होते हैं रोना एंड लाफ माने हंसना। वीप माने रोना, लाफ माने हंसना। तो इसका इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम रोते हैं तो कोई ना कोई चीज़ मनाते हैं, किसी न किसी चीज़ से हम रोते हैं तो यानी किसी हमें दुख है, तो उस दुख से क्या होता है, तो हमें किसी का दुख है तो रोते हैं, रोते हैं ताकि हमारा वो दुख पूरा हो जाए, यानी हमारा वो दुख हंसी में, लॉफिंग में, वो हमारी डिमांड पूरी हो जाए। अब जब डिमांड पूरी होगा तो हमारा वीपिंग लॉफिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, डिमांड क्या होगा, मान लीजिए हमें खिलौना चाहिए, हम उसके लिए रो रहे हैं, नहीं मिलना है, रो रहे, छटपटा रहे, नहीं मिलना। लेकिन जब दूध दे रहे तो घर वाले गार्जियन वाले उसको पूरा कराते हैं, वो खिलौना ला के हमें देते हैं। और जब वो खिलौना ला के हमें देने लगते हैं तो फिर क्या होता है मेडिसिन, तो हम रोते हैं खिलौना के लिए, तो खिलौना हमारे, हम रोएंगे तो हमारे लिए, मतलब किसी खिलौने के लिए अगर हम रो रहे हैं तो खिलौना हमारे लिए आएगा। जब हमारे लिए खिलौना मार्केट से आएगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो फिर सेविंग भी बढ़ेगा, फिर जब सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, फिर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फिर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर, यानी इकोनॉमी के साइक्लिक वे में चलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं और वीपिंग का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा है। यानी वीपिंग करने से हमें खिलौना मिल गया और तब हमारी खुशी, तो हमारी चेहरे की मुस्कुराहट एक खुशी में बदल गई, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक वीपिंग एंड लाफिंग। यानी वीपिंग कन्वर्ट हो गया लाफिंग में, और जब वीपिंग लाफिंग में कन्वर्ट होता है तो मार्केट में, यानी आपकी इच्छा पूरी हो गई, जब इच्छा पूरी हो गई तो आपका मार्केट में प्रोडक्शन भी होगा उस इच्छा को पूरा करने में, और जब इच्छा पूरा कर प्रोडक्शन होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, फिर जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर इनकम भी जनरेट होगा, फिर जब इनकम जनरेट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, फिर जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, फिर जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन भी जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। हाँ, ये बातें शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में भी। हाँ, इस तरह का वीपिंग का लाफिंग कन्वर्ट होना दो तरीके से होगा, या तो शॉर्ट टर्म में हो या तो लॉन्ग, वो तो खैर बात, लेकिन जब भी होगा तो, यानी वीपिंग का लाफिंग में कन्वर्ट होना ये हमें बताता है कि वीपिंग का लाफिंग में कन्वर्ट होना ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके भाई, जिसका, और ये जब होगा तो मार्केट में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, और जिसका, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेस का काम करेगा। ओके मैशन, तो हम कह सकते हैं कि वीपिंग एंड लॉफिंग का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके मैशन, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक वीपिंग एंड लॉफिंग। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट, मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी ना चौगनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। ओ मेरा मानना वीडियो आपके लिए, आप सभी सारे लोग बहुत ही फायदे में साबित होंगे, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट्स वेल। ओके मैं, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से, मतलब फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।